আমার লাইভ হয়েছে না? হ্যালো, হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং, নমস্তে। মেরা নাম পল্লবি শর্মা গোস্বামী হ্যাঁ, মে মঙ্গলে আসাম সে হু। আজ মে অমূল পেজ পর লাইভ আয়া হু, ইসিলিয়ে সবি কো মেরা প্রণাম করতা হু। জাইকা বাই ডেজি এন্ড মিতালি গ্রুপ সে মে অমূল পেজ মে লাইভ আনে কে লিয়ে মৌকা মিলা হে। ইতনি বড়ি মৌকা মেনে কে লিয়ে হাম ডেজি মিতালি ম্যাম কো ভি বহুত বহুত ধন্যবাদ দেতা হু, অর থ্যাঙ্কস দেনা ভি যাতা হু, অর ডেজি ম্যাম কো ভি মে বহুত বহুত থ্যাঙ্কস দেনা যাতি হু। অভিষেক জি কো ভি মেরা বহুত বহুত থ্যাঙ্কস কেতা হু। অমূল কে বারে মে ক্যা বাতাও, অমূল এক বহুত আচ্ছা প্রোডাক্ট হে, হাম অমূল প্রোডাক্ট কো বহুত পছন্দ করতে হে, মেরা ফ্যামিলি মেম্বার ভি বহুত পছন্দ করতে হে, হার কিচেন মে ভি সবি লোক অমূল প্রোডাক্ট ইউজ করতে হে, মেরে কিচেন মে ভি সুবহ সে শাম তক অমূল প্রোডাক্ট ইউজ করকে মে খানা বানাতি হু, মেরে বহুত আচ্ছা লাগতা হে অমূল প্রোডাক্ট ইউজ করকে, ওয়াহ ওয়াহ ক্যা বাতাও, ইসমে অমূল প্রোডাক্ট বহুত আচ্ছা হি হে প্রোডাক্ট হে সারি দুনিয়া কে লিয়ে। আব মে মেরা রেসিপি কে বারে মে বাতাওঙ্গি আপকো, হাম আজ বানাওঙ্গি দহি পনির, দহি কে সাথ পনির, দহি পনির বানাওঙ্গি, ইসিলিয়ে হামকো ক্যা ক্যা ইনগ্রেডিয়েন্টস লেনি আপকো বাতাতি হু মে। ইয়ে অমূল পনির হে, ইয়ে অমূল পনির হে, অর ইয়ে অমূল দহি হে, মিঠা দহি হে, অর ইয়ে অয়েল হে, ইয়ে জলুক হে, আর ইয়ে বাটার অমূল বাটার হে, ইয়ে নমক হে, ইয়ে ক্রিম হে অমূল ক্রিম হে, ইয়ে কাজু কি পেস্ট হে, ইয়ে থোড়া সা হলদি হে, ইয়ে গার্নিশ কে লিয়ে ইয়ে পুদিনা পাত্তা হে, ইয়ে লাল মির্চ হে, ইয়ে চিনি হে, অর এক চিজ বানাওঙ্গি হাম অমূল দুধ কে ইউজ করকে হাম এক মিল্ক শেক বানাওঙ্গি, ইসমে মিল্ক শেক বানাওঙ্গি। পেহলে হাম স্টার্ট করতা হু দহি পনির। হম অমূল পনির কো কাট কে এক প্লেট মে ডালেঙ্গে, অর ইসকো মে ছোটা ছোটা পিস করকে রাখুঙ্গি। इसको मैं अच्छे से पीस कर रहा हूं, अब इसको एक बाउल में हम पहले ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक बाउल में ऑयल डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, अब थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ी सी धनिया पाउडर, और थोड़ी सी कसूरी मिट्टी डालेंगे। पनीर को हम इस बाउल में रखती हूँ, अब इसमें हम मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, अब इसमें मैरिनेट करके हम थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। अब हमको ये दही एक बाउल में डालना है, हम ये दही डालना है एक बाउल में,
अब इसमें हम ऐड करेंगे काजू की पेस्ट, थोड़ी सी काजू की पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ी ही काजू की पेस्ट ऐड करके हम यहाँ पे रख दूंगी। अब हम कढ़ाई में बटर डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच बटर डालेंगे। अब हम पनीर के टुकड़े को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, एक एक करके अच्छे से फ्राई करेंगे। अब पनीर को हम फ्राई कर रहा हूँ, थोड़ी सी और बटर हम डालेंगे। हेलो पोली प्रिया बा, थैंक यू। रेशमा सैकिया थैंक यू। डेजी मैम थैंक यू, थैंक यू। हेलो प्रिया बा, संगीता थैंक यू। कसूरी मिट्टी डालेंगे। हल्की सी फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम एक बाउल में इसको रख देंगे। अब ये पनीर एक बाउल में रख देती हूँ। अब हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा
सा घी भी डालेंगे, अमूल घी डालेंगे, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे इसमें ताकि स्वाद अच्छा लग जाए, दही पनीर के स्वाद अच्छा लग। अब मैं गैस बढ़ा देती हूँ, अब इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, हम इसमें 2-3 लाल मिर्च डालेंगे। और थोड़ा सा अदरक भी डालता हूँ छोटे छोटे करके। अब इसमें हम काजू की पेस्ट या दही डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर देंगे, थोड़ा सा देंगे, अब थोड़ा सा जालूक देंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च। अब इसमें डाल देंगे नमक, नमक डालेंगे थोड़ा सा। अब हम चीनी डालेंगे थोड़ा सा, तब उसके बाद हम दही देंगे कढ़ाई में। हम इसको अच्छे से पकाऊंगी गैस लो फ्लेम करके। अच्छे से हल्के से पकाऊंगी जब तक मसाला तेल ना छोड़े, तब तक के लिए हम अच्छे से दही का पका के रहेंगे। अब सुंदर एक कलर आया है ये ग्रेवी की, स्वाद के लिए ये लाल मिर्च दिया है हम, लेकिन बाद में निकाल लेंगे। तब तक के लिए हम दूसरी रेसिपी शुरू कर रहा हूँ। एक पैन में हम अमूल के दूध गरम करेंगे, मिल्क शेक के लिए हम ये अमूल दूध डाला हूँ पैन में।
हम इसको ढक देती हूँ अच्छे से गर्म होने तक। गैस को साफ कर रही हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आती है दही के पनीर की। वाह, बहुत अच्छा खुशबू आती है। ये रेसिपी बहुत हेल्दी भी है क्योंकि दही सबके लिए हेल्दी है और दही के साथ पनीर भी तो बहुत हेल्दी होता है ना। अब दही तेल छोड़ने तक हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा। जब तक के लिए हम पकाऊंगी, तब गाढ़ा होने तक हम दही को पकाऊंगी। अब दूध गर्म हो रहा है। ये अब ढक देती हूँ कढ़ाई को। अब दूध गर्म हो रहा है अच्छे से। अच्छे से पक रहा है दही। गरम हो रहा है। अब हम मिल्क शेक के लिए एक ग्लास तैयार कर रखा था। अब दूध गर्म हो रहा है, गैस ऑफ कर देती हूँ हम। अब इसको ऑफ करके एक बाउल में डाल दूंगी। अब इसको हम ये मिल्क से बड़ा होने तक हम पकाते रहेंगे, थोड़ी टाइम लगती है।
बिस्कुट अच्छे से गर्म हो रहा है। बहुत गर्मी होता है, अब हम ये गैस ऑफ कर देंगे। एक बाउल में हम रेडी करेंगे, एक बाउल में हम डाल देंगे इसको, दही को, ये लाल मिर्च को हम निकालते हो। अब हम इसको एक बाउल में सुंदर के रेडी करूंगी। एक चम्मच लेकर, दो चम्मच लेकर, इसको रेडी करूंगी एक बाउल के साथ। अब इसमें एक एक पनीर को डालूंगी, एक एक करके पनीर को डालूंगी। अब बहुत अच्छा खुशबू आती है ये दही वाला पनीर। अब इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम डालूंगी, थोड़ी सी गार्निश के लिए क्रीम पुदीना पत्ता दे दूंगी, थोड़ी सी क्रीम डालूंगी। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी कसूरी मिट्टी भी डालेंगी। अब इसमें ऊपर दो पुदीने पत्ते डालती हूँ, दो पुदीने पत्ते डालती हूँ गार्निश अच्छा देखने के लिए और स्मेल अच्छा आने के लिए। ये हमारा एक रेसिपी तैयार हो रहा है, हो गया है दही वाला पनीर। हम पहले से ही अमूल प्रोडक्ट यूज करके केसर पनीर बना रहा हूँ, केसर पुलाव बना के रखा है इसके साथ खाने के लिए। ये नान के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन ये हम केसर पुलाव बनाया है अमूल प्रोडक्ट यूज करके। ये हमारा रेसिपी तैयार हो रहा है। अब हम बनाएंगे अमूल मिल्क शेक। अब हम इसमें एक ग्लास में डाल देंगे अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी, ये पहले से ही हम ग्राइंड कर रखा है दूध, काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश और कल या बनाना
इसके ऊपर डालने के लिए रखा था। अब इसमें ऊपर हम ये पेस्ट डालेंगे। इसके ऊपर हम पेस्ट डालेंगे और हम इसके स्वाद के लिए हम ये रोस्ट ओट्स है, रोस्टेड ओट्स है, ये थोड़ी सी डालूंगी स्वाद के लिए। ये मिल्क शेक बहुत हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है, थोड़ा सा डालूंगी। अब हम इसके ऊपर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी और किशमिश भी डालूंगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बनाना लेती हूँ कट के। अब हमारा हेल्दी सी प्यारी सी अमूल मिल्क शेक तैयार हो रहा है। ये अमूल मिल्क शेक तैयार हो रहा है, टेस्टी सी और हेल्दी सी। अब मैं इसको प्लेटिंग करूंगी इसके साथ। इसके साथ प्लेटिंग करूंगी केसर पनीर, दही पनीर, केसर पुलाव, दही पनीर ऑल और अमूल मिल्क शेक। सभी लोग मेरा लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ लाइव करके। हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मिताली बा को, डेजी बा को और अभिषेक जी को। धन्यवाद।